गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉन फेरस मेटल एंड अलॉय। मेटल है जो उसके अलॉय हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम वो करेंगे आज। नॉन फेरस क्या होता है? दिस मटेरियल हैविंग दी सेम अदर एलिमेंट रेदर देन आयरन एज प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन फेरस मेटल में क्या होता है? आयरन होता है वो उसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब आयरन नहीं होता उसमें मेटल में, उसे हम कहते हैं नॉन फेरस। जिसमें आयरन की कुछ परसेंटेज है उसे हम कहेंगे फेरस मटेरियल, और जिसमें आयरन की परसेंटेज नहीं है उसे हम कहेंगे नॉन फेरस। इसमें सबसे पहले अलॉय आ जाता है कॉपर एंड कॉपर अलॉय। आज इस वीडियो में हम एक अलॉय कंप्लीट करेंगे जो है कॉपर एंड कॉपर अलॉय। कॉपर क्या होता है, उसके अलॉय, उसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहले कॉपर देख लेते हैं। कॉपर हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है। कॉपर इज़ नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। कॉपर आर यूज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर गास्केट प्रेशर वेसल एंड कैटल। यहाँ पे कॉपर यूज़ होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, गुड क्रोजन रेजिस्टेंस है। कॉपर के बारे में होगी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या। क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक डेंसिटी, हाई डेंसिटी है। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है कॉपर है जो, ठीक है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। बट इट स्लोली रिएक्ट विद एटमोसफेयर ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ लेयर ऑफ ब्राउन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जिससे कि जो भी हमने देखा, जो भी कॉपर के बर्तन होते हैं वो उसके ऊपर एक लेयर ब्लैक ब्राउन कलर की लेयर हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। विच अनलाइक द रस्ट दैट फॉर्म इन आयरन, उसे हम रस्ट कहते हैं, जैसे कि आयरन के ऊपर आ जाती है। एंड आयरन इन मोस्ट एयर प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन। उसके बाद अलॉय आते हैं कॉपर के। कॉपर के अलॉय आते हैं ब्रास। फर्स्ट अलॉय जो है ब्रास, इट इज़ द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक को मिला के जो अलॉय बनते हैं उसे हम कहते हैं ब्रास। आगे जो हमारा ब्रास है वो भी तीन तरह का होता है। जो ब्रास है, रेड ब्रास, येलो ब्रास, अल्फा बीटा ब्रास। जो रेड ब्रास है ये क्या है, इट कंटेन 85% कॉपर होता है इसमें, ठीक है, और 15% जिंक होता है रेड ब्रास। क्योंकि ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है, तो इसमें 85% कॉपर होगा, 15% जिंक होगा। इट इज़ यूजली इन ये मेकिंग गन्स, यानी कि जो यहाँ पर बंदूकें बनती हैं उधर रेड ब्रास यूज़ होता है। इट रजिस्टेंस टू क्रोजन, क्रोजन को रजिस्ट करता है फ्रॉम स्टीम एंड साल्ट वाटर। ए हाई परसेंटेज ऑफ कॉपर मेक्स दी कॉपर अलॉय लुक रेड। इसको हम रेड ब्रास क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर की परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर के अलॉय को लाल मतलब रेड कलर का दिखने लग जाता है, इसलिए हम रेड ब्रास कहते हैं। जो रेड ब्रास होते हैं उसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रेड ब्रास कैन बी रिसाइकल। उसके बाद आता है येलो ब्रास। येलो ब्रास क्या होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ब्रास इन हाउस होल्ड प्लम्बरिंग। जो हमारी टूटी होती है टैप होती है उसके ऊपर जो वो पित्तल की हमारी टूटी होती है वो येलो ब्रास की बनी होती है। इसमें 20% कॉपर, 36% जिंक होता है। इट कॉन्टेंट टिपिकली 60% और लेस देन कॉपर कंटेंट, 60% से कम इसमें कॉपर कंटेंट होता है। येलो ब्रास मस्ट बी प्योरीफाइड टू रिमूव दी लेस वैल्यूबल मटीरियल अलॉयड विद दी कॉपर, ठीक है। इससे कम प्योरीफायर है येलो ब्रास, रेड ब्रास ज़्यादा प्योरीफाई है, येलो ब्रास कम प्योरीफाई है, क्यों प्योरीफाई ब्रास है। अल्फा ब्रास आता है कंटेनिंग लेस देन, जिसमें 37% से कम जिंक है, उसे हम कहते हैं अल्फा ब्रास। मेल्टेड इनटू कॉपर एंड आर नेम्ड फॉर देयर फॉर्मेशन ऑफ अल्फा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है अल्फा बीटा ब्रास, इसमें 54 से 62% किसकी परसेंटेज है कॉपर की। इधर भी 26% जिंक की है, इधर भी 54 से 62% इसमें कॉपर है। ब्रास इज़ बहुत हार्डर एंड स्ट्रॉगर, अल्फा बीटा ब्रास अब हार्डर स्ट्रॉगर होता है एंड हैज़ लोअर कोल्ड डक्टिलिटी। दे हैव चीपर ड्यू टू दी हायर जिंक कंटेंट, ये इन दोनों से सस्ता होता है क्योंकि इसमें जिंक के कंटेंट ज़्यादा है, कॉपर के कंटेंट कम है। दे हैव गुड क्रोजन रजिस्टेंस, इसका गुड क्रोजन रजिस्टेंस है, यानी कि रजिस्टेंस किसी भी चीज़ को मतलब इसका जंग नहीं लगने देता, ये गुड क्रोजन रजिस्टेंस है अगर किसके ऊपर हम इसकी प्लेटिंग कर दें अल्फा बीटा ब्रास की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कॉपर, उसके कॉपर के तीन अलॉय, रेड ब्रास, येलो ब्रास, अल्फा बीटा ब्रास। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्यूमिनियम और उसके अलॉय करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।